मध्ये जे खासदार होते त्यांना मंत्रीपद दिलं पण त्यांचा विचार केला गेला नाही असं सुद्धा त्यांनी. ठीक आहे, आता त्या बोलण्याला काही अर्थ नाही. कृतिकर हे आमचे ज्येष्ठ सहकारी होते. खरं म्हणजे ह्या वयात पक्षानं त्यांना काय दिलं नाही. 5 वेळा आमदार राहिले, 2 मंत्रिमंडळात ते मंत्री राहिले, त्यानंतर 2 पक्षातर्फे त्यांना खासदारकी मिळाली. आणि त्यांचे चिरंजीव जे आहेत अमोल कीर्तीकर कडवट शिवसैनिक हे पक्षाबरोबर नवीन पिढी. हा दुर्दैवी निर्णय म्हणणार नाही, पण कीर्तीकरांसारखे नेते जेव्हा पक्ष सोडून जातात सर्व काही प्राप्त करून भोगून, तेव्हा लोकांच्या मनात एक वेगळी भावना निष्ठा या शब्दविषयी निर्माण. फार काही मोठी सळसळ वगैरे झाली असा भाग नाही. गेले ठीक आहे, गेले उद्यापासून लोक त्यांना विसरून जातील. त्यांनी हे पण सांगितलंय की राज्यात पवारशाही आणि उद्धवशाही कमी झाली की शिंदे शिवशाही राज्यात राबवतील. त्यांच्या बोलण्याला आता काय अर्थ नाही. ही का अमृतवाणी नाही किंवा शिववाणी नाही. आपण गेलात, आम्हाला आमच्या तुम्हाला शुभेच्छा. सर पार्टी के लिए कितना बड़ा धक्का है. 19 में से 13 पाला पलट चुके हैं, तो क्या होगा, वापस चुनकर आने दो ना, संदेश क्या जाएगा, वापस चुनकर आना है ना उनको, कितने आते हैं, चुनकर देख लेंगे ना. सर उनका ये कहना है कि उनकी दिशा सही है एकनाथ शिंदे की, जिस दिशा में वो जा रहे हैं उसको लेके क्या कहना. देखिए, दिशा सही है या गलत है ये फैसला जनता करे. अंधेरे के चुनाव में आपने देखा कि दिशा किसकी सही है. अगर आप में हिम्मत होती तो आप चुनाव लड़ना चाहिए. इसी हालत में हमारा चिन्ह गया, पार्टी का नाम गया, आपने निकाल दिया, फिर भी 68,000 लोगों ने आकर शिवसेना को मतदान वोट किया है. ये इस दिशा की आप बात कीजिए, दिशा सही है. अब मशाल शिवसेना उद्धव ठाकरे और ये शिवसेना दोरिजिनल शिवसेना है तो बहुत आगे जाए. सर उम्र के इस पड़ाव में अगर गजानन कीर्तिकर पार्टी छोड़ के जाते हैं, उम्र के पड़ाव की ही बात है और कुछ नहीं. उनका जो बेटा है जी, जो पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है अमोल कीर्तिकर, उसने अपने पिताजी को समझाने की कोशिश भी की है, ऐसा नहीं. लेकिन अमोल कीर्तिकर शिवसेना के साथ है और रहेगा. न्याय मिळाला नाही अशी एक खंत त्यांनी बोलून दाखवली. क्या है न्याय की बात, क्या है न्याय की व्याख्या, क्या है. मुझे तो जेल में डाला गया फिर भी मैं पार्टी के साथ हूँ. मुझे तो जेल में डाला गया गलत तरीके से फिर भी मैं पार्टी के साथ हूँ. संकट में जो पार्टी के साथ रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, उसे निष्ठा कहते हैं. बारंबार ते करता है कि काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत जाऊ नका असं त्यांनी बारंबार उद्धव ठाकरे यांना सांगितलं होतं, पण त्यांना ऐकलं गेलं नाही. राजकारणामध्ये अनेकदा काही निर्णय घ्यायला आम्ही घेतले का, ऋतुजाताई लटके आल्या जाता. मग त्यांचा मी उल्लेख केला, सही दिशा की बात क्या है. अंधेरे के चुनाव में ऋतुजा लटकेताई को जिस प्रकार के वोट का आए प्रलय आया था, शिवसेना के चिन्ह नया है, पार्टी नई है, लोगों में प्रचार नहीं हुआ, फिर भी लोगों ने बाहर आकर 68,000 लोगों ने शिवसेना को वोट किया, ये क्या छोटी बात है. तो हमें दिशा दिखाने की कोशिश मत करिए, हम सही दिशा. सर एक तरफ महिला एम्पावरमेंट की बात होती है, दूसरे वेस्ट बंगाल के मंत्री हैं अखिल गिरी, मुझे मालूम नहीं. राष्ट्रपति चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसका ऊपर किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी स्वीकार नहीं करेंगे. चाहे प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री के ऊपर भी हम कभी प्रकार की टिप्पणी स्वीकार नहीं करते. देश के प्रधानमंत्री है, उनका सम्मान रहना चाहिए. देश की राष्ट्रपति है, आदिवासी महिला है, उनका सम्मान रहना चाहिए. तो जो ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, उसने हमारे देश के राष्ट्रपति का सम्मान हमेशा रखना चाहिए, प्रधानमंत्री का सम्मान रखना चाहिए. मैं अगर कोई हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की होगी तो मेरी पार्टी उनसे सहमत नहीं है. सर हिमाचल प्रदेश में सर वोटिंग है, आपको लगता है बीजेपी रिटेन कर पाएगी फिर से जिस तरह से. देखिए वहाँ कड़ी टक्कर है, वहाँ क्या होगा इस वक्त कोई बता नहीं सकता है.
लेकिन वहाँ कांग्रेस को भी उतना ही चांस है जीतने का। प्रियंका गांधी ने बहुत वहाँ मेहनत की है, जरूर जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, प्रधानमंत्री जी है, जेपी नड्डा जी का गृह राज्य है, लेकिन टक्कर है। भारत जोड़ो यात्रेचा 6वा दिवस आहे आणि उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळतोय, तुम्ही सुद्धा सर त्या ठिकाणी जाण्याचं काही नियोजन करताय? नक्कीच, काल आमचे आदित्य ठाकरे आणि राहुल गांधी हातात हात घालून चालत होते, देश जोडण्यासाठी, लोकशाही वाचवण्यासाठी, स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्यासाठी, याच्यातून देशाला एक फार मोठा संदेश गेलेला आहे।